हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बिग बॉस सीजन 17 मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट अंकिता लोखंडे एंड विक्की जैन। वो बिग बॉस का घर हो या बिग बॉस के घर के बाहर, इस कपल का वियर्ड बिहेवियर तो हम सब लोगों ने नोटिस किया है। बट समटाइम्स पॉपुलर होने के चक्कर में सेलिब्रिटीज़ को ये नहीं पता चलता कि कहाँ पर वो एक लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। अंकिता लोखंडे एंड विक्की जैन का भी यही हाल है, वेयर दे आर मेकिंग फन ऑफ देयर रिलेशनशिप ऑन नेशनल टेलीविजन। बिग बॉस के घर के अंदर की बात करने से पहले मैं बिग बॉस के घर के बाहर की बात करना चाहूँगी। सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई तो सारे कैमरास अंकिता को फॉलो करने लगे एज एक्स गर्लफ्रेंड ऑफ सुशांत। बट इस अपॉर्चुनिटी को अंकिता ने कितने बुरे तरीके से लिया था ये हम सब जानते हैं। जस्ट आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ डेथ ऑफ सुशांत, अंकिता ने किस तरह से अपनी डांस वीडियोस, पार्टिंग वीडियोस, ड्रिंकिंग वीडियोस, पिक्चर्स विक्की जैन के साथ सोशल मीडिया पे डाली, विच वॉज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। एंड कोई समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदी को ज़रा भी दुख है या नहीं है। और वहाँ पे दे बोथ वर इंजॉइंग देयर फेस। खैर, अंकिता लोखंडी और विक्की जैन की इन ऊटपटांग हरकतों की वजह से दे गॉट द पॉपुलैरिटी एंड दे मेड देयर वे टूवर्ड्स बिग बॉस हाउस। अब बिग बॉस के घर में जाने से पहले ये कपल का एक दूसरे के बारे में कहना था कि हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, तुम मेरा दिल हो, मैं तुम्हारी धड़कन हूँ, एक दूसरे की हम सांसें हैं, और इस तरह की इमोशनल बातें इस कपल ने और इनकी फैमिली ने इन दोनों के बारे में बताई। लेकिन फिर बिग बॉस के घर में जाते ही इनके बिहेवियर्स ऐसे हो गए जहाँ पे इनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ और मेंटल हेल्थ पे सवाल किया जा सकता है कि क्या ये दोनों मेंटली फिट थे बिग बॉस के घर में जाने को। सबसे पहले जस्ट लाइक अ टीनेजर अंकिता लोखंडे हो गई बहुत ज़्यादा पोजेसिव कि विक्की जैन किसी से भी बात ना करे, किसी के साथ बैठे नहीं, बस उसी के साथ वक्त गुजारे, उसी के साथ टाइम स्पेंड करे, और इन बातों पे दोनों की लड़ाई हुई। वेयर पीपल सपोर्टेड विक्की जैन कि हाँ सही बात है कि अगर आप बिग बॉस के घर में आए हो तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप तमाम कंटेस्टेंट से रिलेशनशिप रखो, फ्रेंडशिप रखो, बातचीत करो, ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों मियाँ बीवी एक कोने में बैठ जाएँ। बट अंकिता ये बात नहीं समझ रही थी। देन टर्न द टेबल सिचुएशन हुई और विक्की जैन बन गया अचानक से विलन। ही स्टार्टेड ह्यूमिलिएटिंग अंकिता ऑन नेशनल टेलीविजन, ही स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ हर, दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ मिलके अपनी ही वाइफ को नीचा दिखाना, उसका मजाक करना, उसको इंसल्ट करना, उससे बुरे तरीके से बात करना, उसके साथ बुरे तरीके से बिहेवियर रखना। अब बिग बॉस शो स्क्रिप्टेड है या नहीं है ये एक अलग कंट्रोवर्सी है और अलग बहस है, लेकिन अगर आप बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में अपना कोई बिहेवियर शो करते हो तो सालों तक आपका वही बिहेवियर दुनिया नोट कर रही होती है, जैसा कि हुआ था संभावना सेठ के साथ। उसका वॉयलेंट और चीखने चिल्लाने वाला एटीट्यूड बिग बॉस के घर में लोगों ने देखा और फिर ब्लॉगिंग के कई सालों बाद उस पे से वो छवि हटी। इसी तरह ये कपल जो अपने रिलेशनशिप को इतनी बुरी तरह प्रेजेंट कर रहे हैं बिग बॉस के घर में, एक दूसरे को इंसल्ट कर रहे हैं जस्ट कि बिग बॉस में गेम अच्छा कर सकें और थोड़ी पॉपुलैरिटी इन दोनों को मिल सके, और कभी नेगेटिव बन के, कभी पॉजिटिव बन के, कभी सिंपथीज लेके ये बिग बॉस की ट्रॉफी जीत जाएं। बट ये चीज़ें इनकी लाइफ में आगे कितना बुरी तरह इम्पैक्ट करेंगी ये कपल ये चीज़ नहीं सोच रहा। इट इज़ सम हाउ वेरी वियर्ड एंड डिस्गस्टिंग कि कोई भी इंसान अपने रिलेशनशिप को इतनी बुरी तरह प्रेजेंट कैसे कर सकता है और सिर्फ कुछ पॉपुलैरिटी के लिए, सिर्फ कुछ पैसों के लिए अपनी डिग्निटी और रिलेशनशिप का इतनी बुरी तरह तमाशा दुनिया के आगे कैसे बना सकता है। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।